लोकसभा चुनाव के बाद वोटों की गिनती शुरू होने में अभी कुछ घंटे का वक्त बचा है, लेकिन बीजेपी ने अभी से जीत के जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। इंदौर में मध्य प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट मिठाई की दुकान पर पहुंचे और मिठाई का ऑर्डर दिया। इस दौरान कहा कि कांग्रेस सपने देख रही है। 4 जून का बेसब्री से लोगों को इंतजार है और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में इस बार तैयारियां भी कुछ खास है, क्योंकि इस बार बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि देश की सबसे बड़ी जीत इंदौर में होगी, क्योंकि कांग्रेस चुनावी मैदान में थी नहीं और बड़ी जीत की तैयारी इंदौर में शुरू हो चुकी है। इंदौर के छावनी में एक मिठाई दुकान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूंगा। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट आपको तस्वीर नजर आएंगे। जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी है और परिणाम आने के पहले ही एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है, तैयारी कर रहे हैं। ये पूरे देश में जश्न मन रहा है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की फिर से तीसरी बार 400 सीट। आप भी मिठाई का स्वाद चखने आए हैं, कल इंदौरी भी चखेंगे, कार्यकर्ता चखेंगे, इसीलिए तो आए ऑर्डर देने। ये पूरे इंदौर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश में जश्न मनने वाला है, क्योंकि फिर से तीसरी बार हमारे देश के गौरव तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री बनने वाले। सारे रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी जी मोदी जी के नेतृत्व में तोड़ने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट और देश में अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार। बीजेपी जश्न की तैयारियां शुरू कर चुकी है और इस वक्त हम मिठाई के दुकान में मौजूद हैं और तमाम मिठाइयों की दुकान में इस वक्त आपको बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आएंगे। तो कल बड़े जश्न की तैयारी जो शुरू हुई, कल बड़े जश्न की तैयारी देखने को मिलेगी, क्योंकि बड़े जीत का दावा भी भारतीय जनता पार्टी इंदौर से कर रही है। ब्रिटिश जर्नलिस्ट डगलस साहब, मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, दो हमारे खास सहयोगी जुड़े हुए हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी, और रायपुर से आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, सबकी अपनी अपनी तैयारियां हैं, तैयारियां आपने हमने भी की है कल के लिए मेगा कवरेज के लिए। तैयारियां बीजेपी वाले कर रहे हैं, मुंह मीठा करा रहे हैं और मिठाइयों के ऑर्डर दे रहे हैं। तैयारियां विपक्ष की भी यहां पर हैं, वो सवालों की झड़ी लेकर एक बार फिर सामने हैं। ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि विपक्ष जो है एक बार सब फिर से सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। इंदौर में तैयारियां खास है, बड़े जीत की तैयारी चल रही, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है कि अगर 300 के ऊपर सीट आती है तो यानी ईवीएम का खेल हो गया, और अगर 300 के अंदर है, 285 सीट है, तो यानी जनता का वोट है। इंदौर की जनता भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो यहां पर मौजूद है सीधा उन्हीं से पूछेंगे कि जनता इस बारे में क्या सोचती, क्या कहती है। दिग्विजय सिंह है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो कह रहे हैं कि अगर 300 के ऊपर बीजेपी की सीट आएगी तो यानी ईवीएम का खेल हो गया, क्या जनता क्या सोचती इसको लेकर? बिल्कुल भी नहीं, ये सब वरिष्ठ नेताओं की सोच खराब है। उनको सोचना चाहिए कि जहां पर कांग्रेस जीतती है वहां ईवीएम सही है, और जहां बीजेपी जीतती है वहां ईवीएम खराब हो गई। दूसरे, चुनाव अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे लांछन लगाना कि बीजेपी के एजेंट हो गए, ये हो गया, वो हो गया, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं है। लेकिन एक सोच बता रहा हूँ कि ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस पार्टी ने भारत देश पर सबसे ज्यादा शासन अभी तक किया है ना, इसके बाद में इस प्रकार की बातें करते हैं तो इसका मतलब है कि इनकी सोच का दिवालियापन हो चुका है। लगातार चाहे दिग्विजय सिंह हो, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, जब भी हार होती ईवीएम पर सवाल लेना चाहूंगा। केंद्रीय मंत्री रहे हैं, केंद्र में रहे हैं कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता, लेकिन उन सबका ऐसे ही काम है। अच्छा, जनता को क्या लगता है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल का रुझान आया, जिस तरीके एग्जिट पोल बता रही तमाम सर्वे एजेंसियां जो बता रही हैं कांग्रेस की कहीं ना कहीं हार हो रही है और बीजेपी एक बड़ी बढ़त के साथ ये हैट्रिक लगाने जा रही है, बड़ा जीत होने जा रही, जनता को लग रहा है? बिल्कुल 100%। जो पार्टी, जो व्यक्ति, कोई भी हो, एक्स वाई जेड किसी भी पार्टी का हो, अगर वो जनता के लिए काम करेगा, अच्छे काम करेगा, विकास के काम करेगा, तो जरूर आएगा, जनता उसको पसंद करेगी। और ये पिछले 10 सालों में हुआ है, आम जनता ने देखा है, हमने भी देखा है, जो कि पिछले 50 सालों में कभी नहीं हुआ, जो पिछले 10 सालों में हुआ। मोदी जी पर जनता को कितना विश्वास है? 100%। डबल इंजन की सरकार विकास कर रही है, लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी यही कह रही है कि जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, डबल इंजन की विकास हम कर रहे हैं, इसलिए जनता उनके साथ है। धड़ल्ले से और आप आने वाले 5 सालों में और देखना आपकी कितना विकास होगा,
और भारत देश कहां से कहां जाएगा। चलिए कुछ लोग और उनसे पूछ लेते हैं, उनके मन में क्या है ईवीएम को लेकर जो बार बार सवाल खड़े किया जाता है नेताओं के द्वारा, क्या लगता है कि ये सही है? नहीं, गलत है। ईवीएम बिल्कुल सही है, जनता मानती कि ईवीएम बिल्कुल सही है, बिल्कुल मानती लेकिन है। नेता नहीं मान रहे, नेता कह रहे हैं कि ईवीएम का खेला हो रहा है। उनकी मेंटेलिटी है ना सर, मेंटेलिटी तो किसी के चेंज नहीं कर सकते आप। लगता है कि ये हार का बहाना है। यही माने आप? हाँ। कि कुछ मुद्दा तो बचा नहीं है अब कांग्रेस के पास किसी भी तरह से। हाँ। तो अब जो भी एलिगेशन आ रहा है वो ईवीएम के ऊपर लेके जा रहा है सब कुछ। इंदौर की अगर बात करते हैं तो इंदौर में क्या लग रहा है कि जीत का रिकॉर्ड बनेगा? बीजेपी ने तो तैयारियां शुरू कर दी। 100% बनेगा सर, 100% बनेगा। इंदौर में बड़े जश्न की तैयारियां हैं। बिल्कुल है सर, जनता कल तैयारियां कर रही है। ठीक है मिथिलेश, आप बातचीत को यहां आगे बढ़ाइए, हम जरा आकाश का रुख कर लेते हैं, रायपुर का भी हाल जान लेते हैं। आकाश आप बताएं कि रायपुर में किस तरह से तैयारियां हैं, सवाल तो खड़े हो रहे हैं, उन सवालों को लेकर सियासी बयानबाजी, सियासी गलियारों में क्या माहौल? देखिए एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं भाजपा के पक्ष में उसको